और इसमें एक बेस लाइन, कुछ सैंपल्स और थोड़ी सी ऑटोमेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने कुछ रैंडम वोकल लूप्स लिए, और इनको डाल दिया लूप मिक्स में, जिसने इनको कुछ ऐसा बना दिया। इसी तरह मैंने कुछ ग्लिच सैंपल्स लिए और इनको भी जब मैंने लूप मिक्स में डाला तो उसने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने इस ड्रॉप को बनाया, कैसे मैंने इस ड्रॉप को अप्रोच किया, और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये जो लूप मिक्स प्लगइन है उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने रंबल सॉन्ग सुना था और मेरे को उसकी बेस लाइन काफी क्रेजी लगी, और जैसे ही मैंने बेस लाइन बनाई उसके बाद आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मुझे एक्जैक्टली रंबल जैसा गाना नहीं बनाना था, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंटल बनाना था, और ग्लिच साउंड्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, थोड़ा सा टाइम कॉन्स्ट्रेंट था, इसलिए मैं लूप्स को मैन्युअली कट चॉप नहीं कर सकता था, तो उसके लिए मैंने एक काफी क्रेजी प्लगइन यूज किया जिसका नाम है लूप मिक्स। क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही आसान है, आपको सिंपली अपने लूप्स को इसके अंदर डाल देना है, एंड अप टू 6 लूप्स आप इसमें डाल सकते हो, और जैसे ही आप रैंडमाइज पे क्लिक करोगे तो एक काफी क्रेजी रैंडम पैटर्न्स जनरेट करता है जिनको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बीट की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे 6 लूप्स हैं, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं लास्ट वाले लूप में मैंने किक डाली हुई है, एंड इवन जो 5th लूप है उसमें मैंने किक को यूज किया हुआ है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर हम सब बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक अपनी बीट्स को लेके कि कहां पे एग्जैक्टली किक ड्रॉप करेगी, कहां पे स्नेयर हिट करेगा। तो इसी रीजन की वजह से आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैंने किक को अलग ट्रैक में लिया हुआ है, और उसी के साथ साथ मेन विंडो अगर आप लोगों को दिखाओ तो जो स्नेयर है उसको मैंने अलग से ऐड किया हुआ है। तो अगर सिर्फ बीट को सुने तो वो इस वक्त कुछ ऐसी साउंड कर रही है। तो बेसिकली इस वक्त हम सिक्वेंसर विंडो में हैं, जहां पे आप लोग एक्चुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से पार्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं और कौन से आपको रिजेक्ट करने हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पे ये वाला पार्ट ले लूं और यहां पे ये वाला ले लूं तो पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा। सेम वे अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये अंडू कर देगा स्टेप्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लगइन का एक काफी क्रेजी फीचर जो मुझे लगा वो था रीअरेंज टैब, जहाँ पे एक्चुअली आप लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं सैंपल्स को, और ये प्लगइन आपका काफी टाइम सेव करता है। वो कैसे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं एक्चुअली इस पार्ट को यहाँ पे भी ला सकता हूँ और इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे भी ला सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी किक फर्स्ट काउंट पे आए तो मैं एक्चुअली इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ और इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे सिक्वेंसर विंडो में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस चीज को आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मैनुअली उसको कट करो, फेड इन फेड आउट डालो, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करो, तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पे वो सारी चीजें वन क्लिक में होती है। सो यहाँ पे जिस भी सैंपल को मेरे को एक्चुअली रिवर्स करना है मेरे को सिर्फ उस पर क्लिक करना है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो हमारी 2 किक्स थी उनको एक्चुअली रिवर्स कर दिया है। तो इसको सुन के देखते हैं। क्या बात है। इसी के साथ साथ डेंसिटी टैब में एक्चुअली आप लोग वो स्टटर इफेक्ट अचीव कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये वाली जो किक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक वो ट्र वाली आवाज आए, वो मल्टीपल किक्स जो होती हैं वो वाला इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको क्लिक करके जैसे ही ऊपर ड्रैग करूंगा आप लोग देख सकते हैं मेरी जो किक है वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होती जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कितने रेपिटेशंस उसके चाहता हूँ। इसको एक बार सुन के देखिए। क्या बात है। एंड इसको आप बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, छोटी सी अगर हमें वेरिएशन यहाँ पे ऐड करनी हो, इसको हम कर देते हैं 4 एंड इसको 2।
राइट, काफी क्रेजी। सो इसको मैं अगेन रीसेट कर दूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय बीट। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम और पिच में एक्चुअली यू कैन ट्विक द वॉल्यूम कि आप कितनी वॉल्यूम रखना चाहते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी वॉल्यूम को भी रैंडमाइज किया हुआ है ताकि मेरी जो बीट है वो सेम लेवल पे ना चले, काफी बोरिंग साउंड ना करे। दैट इज वन ऑफ द रीजन मेरी बीट काफी ज्यादा डायनेमिक फील हो रही है बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर हिट का जो लेवल है वो दूसरे हिट से अलग है। इन द सेम वे जो पिच टैब है, पिच टैब में आप लोग देख सकते हैं आप एक्चुअली सेमी टोन्स को ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगेन इनका जो रैंडमाइज फंक्शन है उसका यूज किया है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी किक के अलावा ऑलमोस्ट हर सैंपल में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ है। जैसे कि अगर मैं इस सैंपल की रीसेट कर दूं पिच, तो ओरिजिनली ये कुछ ऐसा था, और इसकी अगर पिच ऊपर कर दी प्लस 12 सेमीटोन्स विच इज बेसिकली एन ऑक्टेव। सेम भी अगर हम लोग किक का थोड़ा सा हिट चेंज करें बिकॉज किक काफी ज्यादा एविडेंटली हमें सुनाई देगी, यहाँ पे लो कर देते हैं, एक जगह हाई कर देते हैं। क्या बात है, काफी क्रेजी। एक्चुअली ये चीज मैं अप्लाई भी कर सकता था बीट में बिकॉज उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा, बहुत एक सटल डिफरेंस फील हो रहा है, लेकिन वो जो टेक्सचर है, वो जो कैरेक्टर है किक का, वो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। और अब अगर हम लोग रैंडमाइज फंक्शन की बात करें तो जैसे कि आप लोग ये लाल डॉट देख सकते हैं, रेड डॉट देख सकते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये कहीं ना कहीं नए पैटर्न्स आपके लिए क्रिएट करेगा एंड जितने भी पैरामीटर्स को आपने यहाँ से ऑन किया हुआ है ये उन सबको रैंडमाइज करेगा। वो कैसे, एक बार सबको ऑन करते हैं, थोड़ा सा रैंडमाइज करके देखते हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं प्रिसीजन के लिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी किक्स को सिलेक्ट कर दूं ऑलरेडी और अगर मैं इस ट्रैक को लॉक कर दूं तो एक्चुअली ये इसको रैंडमाइज नहीं करेगा। इन द सेम वे जो मेरा आखिरी ट्रैक है, क्योंकि वो भी यूज में नहीं आ रहा, वो वाली किक्स मैंने इवेंचुअली यूज नहीं की थी, तो उनको भी अगर मैं लॉक कर दूं तो अब ये इन दोनों ट्रैक्स को छोड़ के बाकी सबको रैंडमाइज करेगा। और यहाँ पे हम लोग मैनुअली भी ट्विक कर सकते हैं बिकॉज जाहिर सी बात है एक सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको कॉम्बिनेशंस और एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, उसके बाद तो आपको मैनुअली डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको कौन सा हिट चाहिए, कहाँ पे आपको क्या चीज रखनी है। तो उसके बाद जब मैंने यही सेम चीज को अप्लाई किया अपने वोकल सैंपल्स में तो उसने कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जान पूछ के जो मेरा लास्ट ट्रैक था उसको एम्प्टी रखा था ताकि बीच बीच में मैं पॉजेस इंट्रोड्यूस कर पाऊं, बीच बीच में मैं रोक भी सकूं अपनी मेलेडी को ताकि कहीं ना कहीं मेरी मेलेडी में थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो मेरे को दिखा इनका, दैट वॉज मोनोफोनिक एंड पॉलीफोनिक। तो अगर मैं पॉली पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं मल्टीपल सैंपल सिलेक्ट कर सकता हूं जो एक बारी में प्ले हो रहे हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने मोनोफोनिक पे रखा है ताकि जब मैं एक सैंपल सिलेक्ट करूं तो बाकी सारे म्यूट हो जाए उस सेक्शन के लिए। इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार फीचर है इसका, विच इज द एक्सपोर्ट फंक्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां से आप एक्चुअल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑडियो एज वेल एज मिडी डेटा जो है। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ एक्सपोर्ट करके दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल लूप्स भी वैसे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट इन माय केस अगर मैं फुल लूप को यहां से एक्सपोर्ट करना चाहूं तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा आप लोग यहां पे देख सकते हैं मेरे सॉफ्टवेयर में एक नया ट्रैक बना हुआ आ गया है एंड ये कुछ इस तरह का साउंड कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लूप पसंद आ रहा है तो उसके लिए यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप वो पर्टिकुलर लूप। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ उतना जो सेक्शन है, सिर्फ उतना जो लूप था, उसमें जो भी पार्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे ये उनके साथ एक्सपोर्ट हो गया है। सो अगेन मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, ये काफी ज्यादा टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है एंड अगर आपको लूप्स यूज करना पसंद है और थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं तो ये काफी ज्यादा गोल्डन प्लगइन है। और अब अगर मैं बात करूं इस बीट की, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कुछ एडिशनल सैंपल्स थे जो मैंने यूज किए थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एडिशनल स्नेयर डाला था सो दैट थोड़ा सा मेरे को वो हिट बढ़िया फील हो, और मेरी जो किक थी उसको मैंने वन काउंट पे डाल दिया था बिकॉज लूप मिक्स जो था उससे मैं ऑलरेडी एक फिक्स पैटर्न अचीव कर चुका था, लेकिन एक जगह पे मैं चाहता था कि मेरी किक अलग टाइमिंग पे प्ले हो। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे कस्टमाइजेशन आती है वहां पे आपको मैनुअली काम करना पड़ता है। सो ये बेसिक ड्रम्स थे जिनको मैंने लेयर किया था बीट के साथ। सो अगेन तीन तीन सैंपल्स यूज किए मैंने वो स्नेयर की साउंड अचीव करने के लिए, बिकॉज ये हर प्रोड्यूसर का स्ट्रगल है एक ऐसा स्नेयर ढूंढना जो आपके गाने के साथ फिट बैठे, दैट इज व्हाई आपको कस्टमाइज करनी पड़ती है चीजें। एंड उसी के साथ साथ रंबल्स जो मैंने लिखा है दिस इज एक्चुअली द बेस लाइन जो मैंने यूज किए, एंड अगेन आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बेस को भी कितना ज्यादा यहाँ पे लेयर किया हुआ है।
एक्चुअल में साउंड डिजाइन से सबसे पहले ये वाला बेस बना था जो कुछ इस तरह का दिख रहा है. ये वाला सिंथ मैंने यूज किया था. सो इनकेस अगर आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं कि मैंने इसका साउंड डिजाइन कैसे किया था तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. तो अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो इस पे मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक ऐसा प्लगइन यूज करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो मैक विंडोज दोनों पे चल जाए. तो इसको बेसिकली मैंने लेयर किया था इसके साथ. तो ये वाली जो पॉइंटी साउंड है इसके लिए मैंने इसको ऐड किया था और यहाँ पे एक मैंने लूप यूज किया था. एक्चुअली ये वाला काफी अच्छा सब बेस दे रहा था. क्या बात है. तो साथ में ही कुछ ऐसा साउंड कर रहा है. तो इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हो कि बीच बीच में म्यूट क्यों हो रहा है क्योंकि मिडी तो यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है, तो एक्चुअल में म्यूट इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है. एंड ये ऑटोमेशन मैं ऊपर बीट पे भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से मैंने की थी स्पेस क्रिएट करने के लिए और अपनी जो बीट है उसको क्लीन साउंड करवाने के लिए. इसके अलावा मैंने जो सैंपल्स ऐड किए वो बहुत सिंपल थे. यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक हाई हार्ट का सैंपल यूज किया था. ये रिजेक्टेड आइडियाज हैं, रिजेक्टेड हाई हार्ट्स हैं. तो दिस वाज द हाई हार्ट जो मैंने ऐड की थी इसके साथ एंड थोड़े से साउंड इफेक्ट्स के साथ. जो हमारा बेसिक ग्रूव था वो कुछ ऐसा साउंड कर रहा था. राइट, क्या बात है. एंड अगर मैं अपनी बीट और वो जो वोकल चॉप्स थे उनके ऑटोमेशन आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं. सो यहाँ पे जहां भी आप लोग डाउन देख रहे हैं ये सारी म्यूटेड चीज है. तो अगर मैं अपनी मेलोडी प्ले करके आपको सुनाऊं तो आपको दिखेगा कि कितने कम पार्ट्स पे वो आ रही है. एंड उसी के साथ साथ मैंने खतरनाक ऑटोमेशन ट्रिक भी यूज की थी विच इज बेसिकली एडिंग रिवर्ब. तो जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं ये मैंने मेलोडी में वो मेरी जो वोकल चॉप्स हैं उनके अंदर एक रिवर्ब डाला था और उसको स्पेसिफिकली कुछ कुछ नोट्स पे ही ऑटोमेट किया हुआ है और वो कुछ इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. सो आई नो कुछ कुछ ट्रांजिशंस पे थोड़ा सा इम्परफेक्ट साउंड कर रहा है बिकॉज मैंने इस पे बहुत डिटेल में काम नहीं किया. बट एक्चुअली इसको करने का एक क्लीन तरीका ये भी है कि सबसे पहले आप बीट बना ले, उसके बाद उसको एज एन ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट कर ले और फिर उस ऑडियो फाइल में एक्चुअली रीजन्स को कट करके म्यूट करें बिकॉज वहां पे आपके पास लग्जरी है कि आप फीड इन फीड आउट यूज कर सकते हैं, तो वो ज्यादा क्लीन रिजल्ट आपको देगा. सेम चीज मैंने बीट के साथ की थी और मेरी जो बीट है वो सोलो में कुछ इस तरह की साउंड कर रही है. राइट, सो आई नो काफी ज्यादा रैंडम साउंड कर रही है लेकिन जब मैं इसको मेलोडी के साथ प्ले करूंगा तो थोड़ा बहुत ही सेंस बनाने लगेगा. क्या बात है. एंड अगर इसमें बेस लाइन ऐड कर दूं और बेसिक जो बीट के सैंपल्स थे बेसिकली जो स्नेयर का सैंपल था मेन उसको ऐड कर दें तो ग्रूव जो है वो रेडी हो चुका है. क्या बात है. एंड यहाँ पे मैंने इंटेंशनली एक पॉज दिया था बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ फिलर डालना था और मुझे एक्चुअली यही सैंपल अच्छा लगा जो मैंने यहाँ पे ऐड किया. बेसिकली एक हाफ का सैंपल है एंड ये काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा था बिकॉज एकदम से बीट पॉज हुई, एकदम से एक डिफरेंट टेंशन क्रिएट हुई और स्टार्टिंग में मैंने एक छोटा सा बिल्डअप दे दिया. तो यहाँ पे मेरे वोकल चॉप्स सिर्फ एक्टिव है, वोकल चॉप्स प्ले होते हुए आ रहे हैं लेकिन मेरी जो बीट है उसको मैंने यहाँ पे म्यूट किया हुआ है. तो पूरा जो ग्रूव है वो कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है. राइट, सो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लगा. और सिर्फ इतना ही नहीं, लूप मिक्स के साथ आपको 1.6 जीबी की साउंड्स भी मिलती हैं, प्रीसेट्स भी मिलते हैं, तो उनको भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने गानों में. और इनकेस अगर आप लोग और प्रोडक्शन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल पे तो वो भी नीचे कमेंट कीजिएगा. बॉय, इस गाने का एक फुल वर्जन हो जाए. अच्छा अच्छा, लेकिन एक सवाल है मेरा. हाँ पूछ. तूने गाने में जब तीन स्नेयर डाले हैं तो सिर्फ एक क्यों सुनाई दे रहा है?